हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा हरियाणा पुलिस 2018 की जो भर्ती है, जो केस कर रखा था भाई, जो CWP आपका 2019 था। कल ऑर्डर आए थे कोर्ट के और ग्रुप में मैसेज भी आए थे कि भाई आप वीडियो बना दो। देखिए, कुछ भी अलग चीज़ नहीं है इसमें, फिर भी एक बार हम ऑर्डर देख लेते हैं और जो हमारा केस नंबर है 11590, उसको एक बार हम डिटेल से स्टडी कर लेते हैं तो आपको भी ये सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि भाई आपने ऑर्डर देखा है। आपको ये पूरा मिलेगा और इसमें ना सभी CWP हैं, सारी कोर्ट रोटेशन जो पेट होती हैं वो सभी हैं। देखिए, 11590 ये मेन केस है। तो क्या होता है कि जो भी मिसलेनियस जो होती हैं हमारी रिट पिटीशन, उसको ना मेन केस के साथ अटैच कर दिया जाता है। ऐसे ही आर्ट एंड क्राफ्ट वाली जो भर्ती थी उसमें भी बहुत सारी रिट पिटीशन लगी थी, तो सबको ना मेन केस के साथ अटैच कर दिया था और सबकी सुनवाई एक साथ हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई आज इसकी आज इसकी। तो ये देखिए, सोमवीर जो हमारे पिटिशनर हैं उनकी है स्टेट ऑफ हरियाणा, एंड ऐसे ही और भी कोर्ट रिट पिटिशन है। मैं चलती हूं पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे मेरे पास जो चीज़, देखिए 24 नंबर का है ये PDF, तो इतना हमें पढ़ के क्या करना है, जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 14 पे। ये है पेज नंबर 13, जो हमारे जयश्री ठाकुर हैं जो कि हमारे यहाँ पर जजमेंट देने वाले हैं। और बाय दिस कॉमन ऑर्डर द कोर्ट प्रपोज टू डिस्पोज द अबो नोटेड 52 रिट पिटीशन। 52 पिटीशन लगी थी, मतलब 52 लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, केस किया था। कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व इन द बंच ऑफ द रिट पिटीशन एंड ब्रीफ द फैक्ट आर द बीइंग कॉल्ड आउट फ्रॉम द रिट पिटीशन आर दैट द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर द फिलिंग ऑफ 5000 पोस्ट ऑफ द मेल कॉन्स्टेबल एंड 1147 पोस्ट ऑफ द फीमेल कॉन्स्टेबल, जिसमें से 500 पोस्ट थी आपकी मेल कॉन्स्टेबल इन इंडियन रिसर्च बटालियन एंड 400 पोस्ट थी आपकी सब इंस्पेक्टर की और 63 पोस्ट आपकी सब इंस्पेक्टर फीमेल की थी। ये सारा ना डिवीज़न है, तो इन चीज़ों को आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो पिटीशन लगी, ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट अपलोड द पिटिशनर सॉट 5 मार्क्स विच वर बी अकॉर्डेड अंडर द मिसलेनियस 10% वेटेज कैटेगरी। द सैड एडवर्टीजमेंट क्लियरली स्पेसिफाइड द 5 मार्क्स वुड बी गिवन ए कैंडिडेट हु इज एन ऑर्फन और ए विडो। अ कैंडिडेट बींग एन ऑर्फन वुड बी एंटाइटल्ड टू 5 मार्क्स इन द केस ऑफ द एप्लीकेंट इज फर्स्ट एंड सेकेंड वार्ड ऑफ द डिकीज्ड हुज फादर डाइड बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ द 42 ईयर्स ऑफ एज। बिल्कुल एक एक चीज़ वो है जो मैंने आपको बताई थी, फिर से बार बार वही चीज़ें बताने का कोई तुक तो बनता नहीं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ जो भी कोई नया है देखने वाला। ये जो 52 जो केस लगाए गए हैं, ये जो कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी याचिका, ये सिर्फ इस चीज़ पे डाली थी जो आपने भर्ती निकाली थी 2018 में, जो डिवीज़न था 6000 भर्तियों का कि इतनी मेल की इतनी फीमेल की, इतनी इंस्पेक्टर की इतनी कांस्टेबल की, इतनी कांस्टेबल फीमेल मेल, इन चीज़ों के लिए। तो आपने एक एग्रीगेशन रखा था कि आप ना वेटेज देते हैं 10% के, और इसमें ये लिखा था कि जो 5 नंबर का जो मामला है वो उनको मिलेगा, या तो ऑर्फन हो या तो विडो हो, या तो कि जिस भाई जिसके पिताजी नहीं हो और पिताजी की उम्र 42 साल हो, और उस जो बच्चा है या तो वो फर्स्ट बच्चा हो या तो सेकेंड, और उसकी उम्र 15 साल हो। ठीक है, ये सारी शर्तें अगर पूरी करता है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। आफ्टर द रिटन एग्जाम वॉज अंडर टेकन द कैंडिडेट क्लियर द PST एंड द PMT, मतलब एग्जाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट हुआ जो क्लियर हुआ। इट वुड बी पर्टेंट टू नोट द सिंस फाइनल डिटेल्ड रिजल्ट हैड नॉट बीन अपलोड द वेबसाइट ऑफ द रेस्पोंडेंट कमीशन सर्टेन कैंडिडेट फिल्ड CWP 11335 ऑफ 2019 इन विच ऑर्डर वर पास कॉन्सिक्वेंट टू विच The detailed marks were uploaded. The petitioner here in the scrutiny of the SAT result found out the marks under the orphan category and had either been wrongly given or not given, which grievance led to filling the instant writ petition. इसने ये कहा कि भाई जब आपने final result had not been uploaded, नहीं किया गया था website पे, तो respondent commission certain candidate, कुछ candidate ने एक CWP लगाई, उन्होंने result निकलवाया, और इस result को निकालने के बाद जब उन्होंने देखा कि भाई मार्क्स अंडर द ऑर्फन कैटेगरी उनको दिए ही नहीं गए। देखिए, फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है, SSC ने वेबसाइट पे नहीं डाला, इन्होंने रिट लगाई, इन्होंने कोर्ट में केस लगाया, तब वहां से रिजल्ट निकला, कोर्ट के ऑर्डर आया, SSC ने रिजल्ट निकाल के दिया इन कैंडिडेट्स का, और जब इनको ये पता चला कि हमें वो 5 नंबर मिले ही नहीं, तब इन्होंने दोबारा से रिट लगाई कोर्ट में। ठीक है, अब आगे देखिए,
B.S. Rana learned senior advocate arguing the behalf of all the petitioner would submit that the respondent have acted in the arbitrary and the illegal manner which while giving marks to the candidate under the orphan category, it is argued that petitioner have been denied the opportunity of getting selected the post of the male constable. तो B.S. Rana जो है वो सब लोगों की या सब जो हमारे petitioner हैं उनकी तरफ से इन्होंने ये केस हैंडल किया और इन्होंने ये बोला कि ये एक आर्बिट्री मतलब मनमाना तरीका और इलीगल है, गैर कानूनी, आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी एक को आप मार्क्स दे रहे हो लेकिन किसी दूसरे को नहीं दे रहे हो इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर ये सारा डिवीजन है। तो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग इन द कोर्ट देवर डेलिब्रेशन ऑन द ऑर्डर ऑफ ऑर्फन सो एज टू कैंडिडेट विच इज डिम्ड टू बी एन ऑर्फन। जो भी ऑर्फन होगा, जो भी अनाथ होगा, जिसको भी 5 नंबर मिलते होंगे उन सबको मिलेंगे। ये कुछ क्राइटेरिया रहेगा, ये मैं बता चुकी हूँ तो बार बार में मैं नहीं बता रही हूँ आपको। और बाकी वही है कि भाई अब इनका स्क्रूटनी होगा, दोबारा से इनका डीवी लिया जाएगा। वो 1054 कैंडिडेट जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको ये मार्क्स नहीं मिले थे, सबकी दोबारा से जांच होगी, रिवाइज होगा रिजल्ट, अमेंडमेंट होगी और हो सकता है कुछ लोग बाहर भी निकल जाएं और कुछ लोग अंदर चले जाएं। आई होप सो कि आपको अब समझ आया हो। ये कोर्ट के ऑर्डर के साथ आपका प्रूफ भी हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you for watching.